नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और शंखनाद का हमारा काफिला आज आ पहुंचा है पीलीभीत। पीलीभीत जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, वो पीलीभीत जिसकी पहचान बांसुरी नगरी बाघ और बासमती चावल से है। और इस इलाके में पीलीभीत में इसे कहा जाता है कि यहाँ पर गांधी परिवार का दबदबा है। यहाँ से वरुण गांधी सांसद है बीजेपी के, लेकिन आजकल नाराज चल रहे हैं, पार्टी में बागी तेवर अपनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि 2017 में यहाँ की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी इस बार फिर ताल ठोक रही है कि भले वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हो, फिर भी बीजेपी यहाँ पर कमल ही खिलाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि इस बार सारा मामला उलट पलट जाएगा और यहाँ से इस बार कमल को लोग पटखनी देंगे। बात पीलीभीत की भी होगी, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी होगी, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, दल बदल और एक दूसरे को घेरने का जो इस वक्त आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उस पर भी बात होगी। यहाँ पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पीलीभीत से जुड़ी यहाँ के सियासी समीकरण को, सामाजिक समीकरण को, यहाँ के ताने बाने को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के पीलीभीत, जल जंगल जमीन से भरा पीलीभीत जिला कई बातों के लिए स्पेशल है, जैसे बाघ बांसुरी बासमती चावल। यहां 3 दशकों से अधिक समय से गांधी परिवार राज कर रहा है, या यूं कहें कि राजनीति के इस जिले को उस समय पहचान मिली जब गांधी परिवार ने यहां दस्तक दी। 2017 में विधानसभा की चारों सीटों पर कमल खिला था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह गंगवार ने समाजवादी पार्टी के रियाज अहमद को शिकस्त दी थी। इससे पहले 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से रियाज अहमद इस सीट से विधायक रहे। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। पीलीभीत जिले की कुल आबादी लगभग 23,45,000 है। यहाँ हिंदू 75%, मुस्लिम 25% और सिख 5% के आसपास है। यहाँ लोध राजपूत पासे कुर्मी वोटरों की संख्या अधिक है। वैसे इसे बीजेपी नहीं गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, और जब से सांसद वरुण गांधी ने बागी तेवर दिखाए हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति से बाहर किए जाने के बाद से वरुण गांधी और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वह आए दिन विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, हालांकि पार्टी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। इसके पीछे बड़ा कारण आने वाला विधानसभा चुनाव है। गन्ना बेल्ट होने की वजह से पीलीभीत में किसानों की आवाज उठती रही है। सालों से बंद चीनी मिल बांसुरी उद्योग के विरासत को खोता पीलीभीत अपनी नई पहचान तलाश रहा है। पर्यटन का पूरा विकास नहीं होना भी यहां बड़ा मुद्दा है। इसलिए बीजेपी के लिए 2022 की डगर आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो चलिए पीलीभीत से शंखनाद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हरप्रीत चब्बा साहब, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र गंगवार, मेहंदी रजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ रेखा परिहार जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के नेता, और राजेश शुक्ला जी बीएसपी से। मैं सबसे पहले रेखा परिहार जी, आप ही से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ के सांसद बेहद नाराज हैं। नाराज क्या कहें, सीधे बागी हो चुके हैं और वो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में बीजेपी फिर भी कह रही है हम चारों सीटों पर कमल खिला लेंगे। जी बिल्कुल, चारों। माइक 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 हाथ में लेकर। हेलो जी, बोले। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे सांसद बागी, हमारे सांसद बागी नहीं हुए हैं। कुछ जो जायज बात है उन्होंने रखा है, लेकिन कभी आज तक किसी को, किसी विधायक को या किसी ऐसे जगह में कि हमें भाजपा को वोट नहीं देना कि क्या करना है, ऐसी कोई शब्द उन्होंने नहीं निकाला है।
वो राष्ट्र लेवल के बात कर रहे हैं रेखा जी, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, किसान आंदोलन को लेकर खड़ा कर दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान आंदोलन जो चल रहा था अभी तक, हमारी सरकार ने उनको, मतलब आप कह रही हैं किसान आंदोलन का वरुण गांधी की नाराजगी का बीजेपी को कोई असर नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि असर होगा कि नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ कि माननीय वरुण गांधी जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं निकाला है कि हमारे भाजपा में कोई चोट लगेगी। अच्छा, ऐसा है क्या रजा साहब? देखिए, ये तो कहने वाली बात है, वरुण गांधी जी ने खुलेआम साफ तौर पर बीजेपी को घेरा है और जिला प्रशासन को, क्योंकि यहाँ के वो सांसद हैं तो उन्होंने कई बार पत्र के माध्यम से भी भाजपा को घेरने का काम किया और भाजपा पे आरोप लगाए हैं उन्होंने। किसान आंदोलन का उनका महत्व मुद्दा रहा है और किसान आंदोलन पे उन्होंने भाजपा सरकार को, मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत घेरा है और उन्होंने सही बात कही है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बोलने में वरुण गांधी ने लेट बहुत कर दी। अब ये तो वरुण जी जाने कि उन्होंने लेट किया या सही किया, मगर जो अच्छा, भी कहा उन्होंने सही कहा। अखिलेश यादव ने, आज अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी 15 दिनों में गन्ने का बकाया भुगतान हम कर देंगे, और हाथ में किसान अन्न संकल्प लेता है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए आदरणीय अखिलेश जी ने, तो वो जग जाहिर है और उन्होंने जो संकल्प लिया उसको समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ सहयोग करके उसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी और इस भाजपा को जो झूठ और फरेब की राजनीति करती है उसे उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। चब्बा साहब, बात से सहमत है? अन्न संकल्प ले लिया इन्होंने। देखिए, इन्हें अन्न संकल्प लेना क्यों पड़ा? हाँ, जब जो है पवन कश्यप जी के भाई को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराती है, जो रमन कश्यप जो है जीप से रौंद के मार दिए जाते हैं पत्रकार, तो ये बुलाते हैं उन्हें और अन्न संकल्प लेते हैं। ये डर गई है कांग्रेस से, इसे लगता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ जो किसान है, किसानों का मुद्दा जो है वो सही मायने में प्रियंका जी के साथ है, प्रियंका जी उनकी मदद कर रही है, प्रियंका जी पे विश्वास करते हैं। हाँ। तो ये जो है अन्न की राजनीति कर रहे हैं, किसानों में किसान समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है, किसान जो है किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है ना? बिल्कुल नहीं करते हैं, इनकी सरकार जब रही है, आप कहते हैं इन पर भरोसा नहीं करते, बीकेयू तो इनके गठबंधन को समर्थन देने के लिए खड़े हो गए, आज बयान दिया है कि हम उन्होंने कहा किसी को भी समर्थन नहीं करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे समाजवादी, उन्होंने कहा हम किसी को नहीं करेंगे, आप आज का बयान देखिए। अच्छा, पलटी मार दी उन्होंने? पलटी नहीं मारी उन्होंने, जो भी कोई बीच में रह गया होगा उन्होंने साफ, बीच में रह गया होगा, खैर साफ कर दिया। कब बयान बदलता है किसी को नहीं मालूम। मैं जल्दी से राजेश शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि लड़ाई इस बार तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, बीएसपी कहां है? ये गलतफहमी है, पीलीभीत जनपद की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी भारी अंतर से जीत रही, भारी बहुमत से जीत रही, भारी अंतर से बहुमत से चारों सीटें यहां से जीत के जाएगी। ठीक है, चलिए बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दिल्ली से बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, 221 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, उसी पर माथापच्ची चल रही है, उसी पर मंथन चल रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी एक सूची जारी कर दी थी, बाकी 231 नामों की सूची भी बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द वो जारी हो जाए। 19 तारीख को फिर एक सीईसी की बैठक होगी, उसमें उस दिन कहा जा रहा है कि उस दिन नामों का ऐलान हो सकता है। रेखा जी, इन्होंने अन्न संकल्प लिया और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब की बार बीजेपी के नेता जहां जहां जाएंगे वोट मांगने के लिए जनता उनकी कुटाई करेगी। ये तो सपने देख रहे हैं। अच्छा, वो सपने देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, और सरकार हमारी, माइक ऊपर रखे, माइक ऊपर रखे, सरकार हमारी बन रही है। हाँ। अब ये सपने में ही किसको पीट रहे हैं, किसको खो रहे हैं, अभी तक क्या किया है देखा जा रहा है कि कौन पिट रहा है, कौन नहीं पिट रहा है। रोज आए दिन बीजेपी के विधायकों को जूते का स्वागत कर रहा है, कोई नहीं पिट रहा है, कोई माला डाला है, कोई धक्के देके भगा रहा है, ये सपा का, वापस जाओ बीजेपी वालों, वापस जाओ, आए दिन नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं रजा साहब, तो सोशल मीडिया में आपकी एक नेता का वीडियो भी वायरल है, भून डालो मार डालो, वो भी हिट हो रहा है आजकल, बड़ा वायरल हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे रजा साहब? उसको काट भुट्टा भूनने की बात हो रही थी क्या? पार्टी के नेता अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन से हटके बात नहीं करते, भाजपा के ही कह
है, गैर अनुशासन में रहते हैं क्या हमारे जैसे वाले? भाजपा गुंडों की पार्टी है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 56 मुकदमे हैं, आपके पार्टी में जो पार्टी थी सब जानते हैं गुंडों की पार्टी है। भाजपा में गुंडा जो भी शामिल हो जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है, सारे आरोप उसके ऊपर से हट जाते हैं, अन्य दल में जाता है, वो गुंडा होता है। ख्वाब कितना भी देख लीजिए, भाजपा क्या राजनीति करती है? बड़ा बढ़िया, आपने कहा कि जो भाजपा में जाता है वो दूध का नया हो जाता है, जी जी हो जाता है, सारे पाप उसके साथ हो जाते हैं। अखिलेश भैया, आपके अखिलेश भैया मुख्तार अंसारी से दूरी नाप लेते थे। 2016 में उनके कौमी एकता दल ने शिपाल यादव के साथ मिलकर के पार्टी विलय क्या करा लिया, अखिलेश भैया नाराज हो गए। अब आपके उनके मुख्तार अंसारी एंड ब्रदर सब दूध के दूल्हे हो गए। नहीं तो हमारे पार्टी में शामिल कहां हुए हैं वो? अच्छा, पार्टी में शामिल? नहीं, पार्टी में शामिल नहीं हुए, समर्थन तो है। समर्थन कहाँ है? अरे समर्थन नहीं है, समर्थन कहाँ है? खुला हुआ समर्थन कहाँ? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेट से कौन सी खबर आई है? अच्छा, पक्का उनको कोई समर्थन नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई समर्थन नहीं है उनको। उनके बड़े भैया किसके पार्टी में आए हैं? हिजबुतुल्लाह अंसारी किसके पार्टी में? हिजबुतुल्लाह अंसारी गुंडे प्रत्याशी के कमी है, मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे है, वो जेल में है, उनको ले रहे हैं। सपा वाले के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। सपा वाले के बाद रेखा परिहार जी बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी दिए सारे के सारे प्रत्याशी देख लीजिए कोई दंगाई है, कोई बदमाश है, कोई गुंडा है। आपके एक पूर्व मंत्री हैं जी चौधरी बाबूलाल जी, आगरा जी, उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव का टिकट दे दिया उनको, नहीं ऐसा वहां जुबान सिल जाएगी। उनके साथ तो ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना था कि उनके इतने केस लगे, लेकिन आगरा के पनवारी कांड में नाम है उनका। नहीं, नहीं ऐसा कुछ, अच्छा, नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। चलिए राजेश जी बताइए जरा, जी बताइए जी, आपकी पार्टी 2007 का करिश्मा दोहराने की कोशिश कर रही है, कैसे होगा? करिश्मा दोहराने की कोशिश नहीं कर रही, जो जैसे ही 2007 में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी आई थी वैसे ही फिर दोबारा किसके दम पर? किसके दम पर? सर्व समाज के दम पर, दलित के दम पर, ओबीसी के दम पर। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण दलित पिछड़ा वर्ग सभी सारे सर्व समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज के लोग सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती को इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बहुमत से मायावती जी ने सरकार बना ली थी, कहे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फेल हो गया। उब चुके हैं जातिवाद की राजनीति से, धर्म की राजनीति से। यूपी जातिवाद की राजनीति से उभर चुका है क्या आपको लगा? बिल्कुल उब चुके हैं लोग, आप देखिएगा। तो फिर टिकट बंटवारे में जाति का ख्याल क्यों रखा जाता है? नहीं, ये देखिएगा, अभी आप जो वोट देखेंगे, आज का नौजवान, महिलाएं, किसान, जाति बिरादरी और धर्म से उठ के इनको जवाब देने वाला है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने वाला है। ये इस बात को मान लें, ब्राह्मण दलित ये जो समीकरण सोशल इंजीनियरिंग का वो खत्म हो चुका। अब जो गठबंधन किया है वो किसानों नौजवानों ने किया है, महिलाओं के साथ किया है। ये जो गठबंधन है ये विकास का गठबंधन है, वही फले फूले। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं सभी के सभी आजकल सम्मेलन का बड़ा क्रेज चल रहा है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन, कोई पिछड़ा सम्मेलन, कोई दलित सम्मेलन, ये बड़ा सम्मेलन बहुत होता है। ठीक, चुनाव आता है तो प्रबुद्ध टाइप सम्मेलन होता है, जब बहुजन समाज पार्टी करती प्रबुद्ध सम्मेलन, उसके बाद भाजपा शुरू कर देती है। आपका अनुसरण सब करते हैं? जी जी, हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब आप सारे के सारे कॉपी पेस्ट करते हैं, जो करेंगे आप अनुसरण करने लगते हैं। जब तक हम नहीं, आप बताएं कितना काम किया, जितना हमारी पार्टी रोज काम कर रही है, हर बूथ में जा रही, हर पन्ना प्रमुख बना रही, हर चीज कर रही है। आप बताएं कि नमक के पैकेट पे आप सुनिए, सपा वाले सुनिए, कितना काम कर रही है भाजपा, सब दिख रही है, किसान बेरोजगार है, किसान परेशान है, उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, छात्र परेशान है, कोई नौकरी नहीं है, आपके मुखिया को किसान विरोधी सरकार है भाजपा, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी। 5 साल के अंदर कोई रोजगार लगा, किसी नौजवान को नौकरी मिली? अलावा धर्म की राजनीति करने के भाजपा ने कोई काम नहीं किया, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि धर्म की राजनीति करने वाले को उखाड़ के फेंकेंगे। कॉपी की बात की ना कि ये हमारा अनुसरण कर रहे हैं, क्या बांटा था आप लोगों ने? लैपटॉप बांटा था। ये क्या बांट रहे हैं? ये नमक के पैकेट बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं। कहाँ टैबलेट बांट रहे हैं? टैबलेट बांट रहे हैं कि कहाँ टैबलेट दीजिएगा? कोई टैबलेट नहीं है, टैबलेट नमक के दाल बना लेंगे। कौन सा टैबलेट बीजेपी दे रही है? कोई टैबलेट, कौन सा टैबलेट दे रही है? हाथ में टैबलेट खाने वाला टैबलेट सीधा सा फॉर्मूला है। आपकी पार्टी ने कहा है भाजपा का जल्दी स्टूडेंट को टैबलेट दिया जाएगा। नमक के पैकेट पे फोटो मोदी जी का आ रहा है, थैले पे फोटो आ रहा है, जितना राशन में खर्चा नहीं हो रहा है जनता के पैसे का, उससे ज्यादा प्रचार में भाजपा पैसे का खर्च कर रही है। थैले में बड़ा सा फोटो, नमक के पैकेट पे, दलिया के पैकेट पे फोटो, जितना खर्चा है उससे ज्यादा भाजपा
प्रचार में पैसा खर्च कर रही है भाजपा ने, अलावा जनता को लूटने के कोई क्यों? काम नहीं किया। कोरोना काल में आज कर्मचारियों से लेकर और नौजवान छात्रों तक तीसरा चालू हो गया। कोरोना काल में पूरा राशन गरीबों को दिया है, जो कि अगर कोरोना में आप लकड़ी नहीं दे पाई जलने के लिए लोगों के, नहीं स्वास्थ्य तो अलग रह गई है, नहीं नहीं लोग जो है दफनाए गए गंगा में। इलाहाबाद, इलाहाबाद कर रहे हैं, इलाहाबाद भी भूखा नहीं, इलाहाबाद गवाह है जो लाशें वही है, आज भी राशन मिल रहा है, सोचा आपके पत्रकार फ्री राशन मिल रहा है भाई साहब। इस बात को अच्छी तरह देखिए भाजपा किस तरीके से, कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, तो मैं तो चाहता हूं कि धीरे धीरे अपना आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। ये इनकी सोच है कि पूरे हिंदुस्तान को हम ऐसे ही ये जो राशन है ये मुफ्त दें। अगर ये मुफ्त राशन दे रहे हैं तो कहां विकास हिंदुस्तान का हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि लोगों को स्वावलंबी बनाए। अच्छा, तो मतलब जितनी भी योजनाएं हैं गरीबों के लिए बंद कर दी जाए? नहीं नहीं, शिक्षा दीजिए ना, शिक्षा में जो दे रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं हमने 80,000 लोगों को दे दिया, तो जब अगर सबकी, अब इन्होंने स्वावलंबी की बात की, मतलब आप पर निशाना है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कब आत्मनिर्भर होगा? वो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं अगर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज और भोजन दे रहे हैं, ये तो गलत फहमी है इनकी। भाई साहब, रोटी नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? दवा नहीं होगी तो मरीजों की ठीक कैसे होंगे? ये तो हमें करना ही पड़ेगा। आप भी सब करते हैं, भाजपा रोजगार दे ना, नौकरियां दे रही, नौकरियां निकाले, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो नौजवान लड़के नौकरी कर रहे थे आज वो घर बैठे हुए प्राइवेट सेक्टर्स के, जो नौजवान लड़के प्राइवेट सेक्टर्स में दिल्ली में, इंदौर में, बैंगलोर जाके जो आईटी सेक्टर में नौकरी, सरकार के समय में कितना रोजगार सृजित हुआ था बताइए? हमारी सरकार के समय में बहुत रोजगार सृजित हुआ था, बता दे, पुलिस भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, यादव भर्ती हुए थे पुलिस में, कहना गलत है। यूपीएससी उठा के देखिए, यादवों की भर्ती हुई, ये बात वो कह रहे हैं, झूठ है की राजनीति झूठ है क्या? पुलिस भर्ती घोटाला, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पाओगे भाई। इंदिरा जी शहीद हुई है, राजीव जी शहीद हुए हैं, उसके बाद वो आए हैं, आप कैसे नहीं आएंगे? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री है तो बेटा जो है वो मंत्री सांसद है, बहु सांसद है, भतीजा सांसद है, दूसरा भाई राज्यसभा सांसद है, और लोगों को चांस नहीं दिया क्या? आप बताइए, आप कितने लोग सारे परिवार की पार्टी चला रहे थे, आप भी आप परिवार की चला, जनता देख चुकी है, आप भी परिवार की चला। देखो राजा साहब, राजा साहब यहाँ पर तो एक दूसरे पर एकदम लग रहा है की एकदम तलवार लेकर के एकदम पाए पाए, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों 2017 में गलबैया काय कर रहे थे हुजूर? देखिए उस समय इतनी खराब थी कांग्रेस और इतनी खराब थी समाजवादी पार्टी, उस समय माननीय राय शीशे की तरह सब कुछ साफ था, तो गलबैया काय किए थे बताइए? देखिए ये धोखा देते आए हैं, ये कहते आए हैं कि हम जो है आरएसएस और भाजपा के खिलाफ हैं, और जब इन्हें डर लगता है तो भाग के कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं। अच्छा, आपकी गोदी में बैठ, आपकी ये योगी से, आपकी ये योगी से जराना कर ली है, आपकी ये योगी से जराना कर ली है, ये साइकिल आपकी इनका जराना योगी जी से है, अब ये योगी से मिलके लड़ रहे हैं। राहुल जी लखनऊ आए थे, अखिलेश जी दिल्ली नहीं गए थे, गोदी में कौन बैठा था? सुनिए सुनिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, आपका राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल जा चुका है, इस समय नेशनल पार्टी नहीं हो आप, अरे भूल जाइए नेशनल पार्टी, आप दिल्ली हो सकता है इस बार साइकिल भी छिन जाए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया है कि कांग्रेस को अगर आना होगा तो हमारे मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो हमने तो क्या किया? देखिए अब वो कह रहा है कांग्रेस साजिश कर रही है, जब कांग्रेस अखिलेश भैया जब कांग्रेस लड़ रही है तो कह रहे हैं कांग्रेस साजिश कर रही है, इनको ना कोई चने चुभ जाएंगे इस बार, जो 403 पे कांग्रेस इन्हें जवाब देगी, 403 जवाब देगी या वोट काट देगी या मदद भैया सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी, नहीं मिलने वाले इनका जराना जो है वोट काटने का। बीएसपी क्या करेगी फिर? बीएसपी क्या करेगी? बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है, दोनों है भैया, एक ए दूसरी बी है, एक ही टीम में खेल रहे हैं। इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, मायावती जी का कोई भी कोई समर्थन नहीं कर दीजिए, गलत फहमी दूर। तहसील नेता बहन कुमारी मायावती जी आंदोलन में कोई मायावती जी का बयान नहीं, 11 साल बैठी और नहीं प्रदर्शन नहीं समर्थन काम में बढ़ाया। इनसे पूछिए मोदी जी क्यों नहीं कहे कभी कांग्रेस मुक्त भारत के अलावा, कभी क्यों नहीं कहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश भारत होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी मुक्त होना चाहिए? वो दोनों इनके हैं भाई, ये दोनों उनके हैं, बोलिए ना। वो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, क्यों करते हो? यूपी में कांग्रेस, देखिए भाजपा को गई 10 मार्च, आप वो कह रहे हैं कि चाहे नारा दिया 10 मार्च योगी जी गए, 10 मार्च योगी जी गए बैठे हुए हैं, 300
25 सीटें मेरी आई हुई है। और इस बार कितने सीटों पे बैठी है? यही तो जनता को चला गया। 25 बराबर काम नहीं कर रहा है। हमारा 320 सीट आ जाती तो तब भी हम अव्वल तो है और आएगी आएगी हो सकता है। अब वो तो कह रहा आप 325 अखिलेश यादव कह दिए 400 को गोरखपुर विपक्ष ने छोड़ दे कि जाओ मठ में बैठो जाके। 40 हमारा है आगे बंटवारा है। 40 आपका है? हाँ, अब योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि वो तो कह रहे हैं 80 हमारा है तो 80 में हमारा है बाकी में बंटवारा है। अच्छा 80 आपका कौन सा बाकी 403 में से महिलाओं को क्या बंटवारा है? 403 में से महिलाओं का कितना बंटवारा है? लड़कियों लड़ सकती हूँ आधी आबादी और पिछली बार 2017 में तो हमारे वोटिंग ट्रेंड जो था उसमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा आगे बढ़कर वोट किया था। भाजपा सरकार में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है आए दिन बलात्कार बताओ बताओ किस महिला के हुई है इतना बड़ा काम? ये कहते हैं बच्चों की गलती हो गई। ये कोई संवेदनशील नहीं है भाई। राजा साहब आप जो बोल रही है भाजपा सरकार साहब अगल में भाजपा सरकार में सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार रेप छेड़छाड़ इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और भाजपा ने हमेशा अपराधियों को शरण देने का काम किया है। अच्छा सपा मुखिया हो चुके हैं गायत्री प्रजापति। प्रजापति कौन थे? गायत्री प्रजापति जब जोश में साबित हुआ तो जेल में है। अच्छा जेल में हुए और उनको पकड़ने में कितनी देर हुई? अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तब तक नहीं हुआ। तो इसमें तो और अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार भी कर रहे थे तो जब तक दोष साबित नहीं हुआ था ना। अच्छा तो फिर जब तक दोष साबित, ये बड़ा बढ़िया है, जब तक दोष साबित नहीं होता किसी को आप अपराधी नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल, ये लाइन अच्छी है। आरोप हाँ आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलती है, करना पड़ता है वो जी जी है ना। ये देखिए मान रहा ईमानदारी के साथ क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर आप काहे के लिए नावेद हसन के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं नहीं हम काहे कि भैया नावेद हसन के पीछे कैराना में आरोपी के ऊपर जिस पर आपने गैंगस्टर एक्ट लगाया है अगर उनको टिकट दे दिया तो आप हाय तौबा मचाए। इनके विधायक हैं संगी सोम जो सरधाना से विधायक हैं, देश का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर कांड के दंगों में वो मुख्य आरोपी है। दोषी सिद्ध नहीं होंगे आरोपी है वो। आरोपी है मंत्री बन सकता हो जेल गया हो वो क्या बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की, जिसमें तड़ीपार जो गृह मंत्री बन रहा हो और वो जेल गया हो वो किस चीज की बात कर रहे? जवाब दीजिए इसका जल्दी से। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री योगी जी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद सारे मुकदमे अपने वापस ले लिए। ये देखिए बात हो रही है यहाँ पर गुंडागर्दी की, बदमाशों की, ऐसे ऐसे प्रत्याशियों की। एक बड़ी खबर इस वक्त है, सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में थे और उन्होंने क्या कहा वहां पर, गुंडों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, आपके आशीर्वाद से फिर से माफिया राज का गुंडा राज का जो बाकी बचे हैं उनका भी हमारी सरकार सफाया कर देगी। गुंडों माफियाओं पर इसी तरीके से हम नकेल कसते रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। माफियाओं को बिलों में घुसाने का काम हम करते रहेंगे। नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी पर फिर से योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने गुंडों को टिकट दिया है। देखिए रजा साहब जो यूपी के सबसे बड़े गुंडे हैं वो ये बात कह रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा एक बार बयान सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। बस सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि यह कैसा समाजवाद है, ये अखिलेश यादव का कौन सा समाजवाद है कि आप एक तरफ दंगाइयों को बदमाशों को आप टिकट दे रहे हैं और बात करते हैं दलितों के उत्थान की, पिछड़ों के उत्थान की, महिलाओं के बेहतरी की। भाजपा सरकार अलावा झूठ बोलने के और इसके सारे नेता झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं यूपी के जिन्होंने अपने ऊपर से सारे मुकदमे वापस ले लिए। इनके जितने भी नेता हैं सब पे मुकदमे चल रहे हैं। गुंडों की सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये।
यहाँ रखिए माइक, यहाँ से रख के बोलिए। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यालयों के ऊपर का पुलिस प्रशासन सख्ती कर रहा है, कोरोना उनके लिए है और बाकी भाजपा के नेता रैलियां निकाल रहे हैं तो उनके लिए कोरोना कोई मुख्य नहीं, उनके लिए छूट है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं विधायकों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अभी मेरे यहाँ पीलीभीत में योगी जी आए थे, 2 बजे पुलिस हमारे घर आ गई। अभी कानपुर में रेट हुई, उसमें पैसा मिला दोनों जगह से। भाजपा ने अखिलेश पे आरोप लगाया, अखिलेश ने कहा भाजपा का, दोनों में से एक भी आदमी तो जेल जाता। भाजपा का अखिलेश था तो इन्हें जेल भेजती, इनका है तो ये उनपे FIR करवाते। तो पैसा कहां गया? जब रेल लिए तो ये लोग कह रहे थे कि हम शिकायत करेंगे, ये ईडी और IT का डर दिखाया जा रहा है। इन्होंने दोनों कुछ संपत्ति नहीं, इन्होंने कह दिया अपना, इन्होंने कहा अपना अपना जेब में रख लो, बाकी बात बंद कर दो। रेखा जी जी भैया, ये बार बार आरोप लगा कि आपने पीयूष जैन को पकड़ लिया, नहीं, नहीं, लेकिन पंपी जैन को पकड़ना था, गलती से पीयूष जैन को पकड़ लिया। सपा के आदमी थे, सपा के, सपा के उसमें बताओ, हमारे भाजपा में अतर कोई लगाता ही नहीं है, सेंट लगाता ही नहीं, परफ्यूम छींटता ही नहीं कोई। तो सपा वाले चलते नहाते धोते हैं नहीं, तब सपा का था जेल क्यों नहीं भेजा उन्हें? आप कह रही सपा वाले इतने इसलिए मारते हैं, लेकिन ये बताइए कहते हैं कि गलत फहमी हो गई। लेकिन चलिए कम से कम राजेश जी, गलतफहमी हुई जी इत्र को लेकर, लेकिन कुछ संपत्ति तो निकली, नहीं निकलना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल निकलना चाहिए था कि नहीं? हाँ, पैसे जो दबा के रखे थे, कहाँ से पैसे नहीं निकले? निकलना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल निकलना चाहिए था। तो फिर काहे लोगों के पेट में दर्द होता है, काहे आरोप लगता है कि ईडी को नहीं मारना चाहिए था छापा, IT को नहीं मारना चाहिए था? नहीं तो इस समय क्यों मारे? उससे पहले क्या कर रही थी? उस दिन और थोड़ा माल जमा कर, नहीं उससे पहले क्या कर रही थी? चुनाव के निकट आके ये ईडी और CD का भय दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इससे काम नहीं बनेगा। CD का भय, हाँ, और इस बार जो बनेगी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी शंखनाद में ये बहस पीलीभीत से लगातार चलती रही, बने रहिए से हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं पीलीभीत से शंखनाद, यहां पर 4 पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई सारे मसलों पर यहां पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, और इसमें 2 सीटें ऐसी हैं पीलीभीत की 4 में से 2 जहां पर मुस्लिम वोटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही डिसाइड करते हैं कि भाई किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को कोई कह रहा है कि भाई BJP की बी टीम है, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां डर गई हैं, समाजवादी पार्टी को दरअसल में डर लग रहा है। वो कह रहे हैं 2C पर काम चल रहा है, कास्ट कम्युनल। रजा साहब जी, सर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना, देखिए असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी बात, ज्यादा आरोप आप ही पर लग रहे हैं समाजवादी पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सबसे बड़ी बात तो ये है वो भाजपा के एजेंट हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि आजम खान साहब यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, 9 बार के विधायक, 1 बार के राज्यसभा सांसद, एक नॉर्मल कैदियों की तरह वो, उनकी पत्नी विधायक, उनका बेटा विधायक जेल में रहते हैं, उनके साथ नॉर्मल कैदी से भी ज्यादा अत्याचार होता है, उनको कोरोना होता है, उनके इलाज में देरी होती है। सुनिए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी को बुरा भी कहते हैं, भला भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी 6 हेलीकॉप्टर तोड़ के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको जेल क्यों नहीं? ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। रेखा जी जी, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी आपकी एजेंट है, ये तो उन पर कोई कार्रवाई कोई एक्शन नहीं, काम आजम खान पर ही सारा एक्शन ताबड़तोड़। भाई वो आजम खान के लिए काम करते, सपा के काम करते, भाजपा के लिए क्यों काम तो जेल क्यों नहीं भिजवा रही है भाजपा? उनके छोटे भाई विधायक हैं, उन्होंने तरह तरह की बातें करी, वो सांसद हैं, उनको जेल क्यों नहीं भिजवाया जा रहा है? वो 6 हेलीकॉप्टर आप भिजवा दो, हम तो सरकार में ही है? नहीं, अगले सरकार में थे तो क्यों नहीं भेजवा दिया? आप भेजवा देते, जैसे ये अब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कहती है, आपकी भी सरकार में थे, इनकी बी टीम है भाजपा की, बी टीम है वो, ये भी कह रहे हैं बी टीम है वो, यहाँ क्यों आई है? वोट काटने के लिए। किसका वोट काटेगा? वोट काटेगा ये, वोट मुस्लिम का काटने आए इनके कहने से, इनके कहने मतलब आप ये मानते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है? ना मैं नहीं मानता। देखिए, आप कह रहे हैं वोट काटेगा इनके कहने से, चलिए आपसे, मैंने आपसे कहा वोट कहने से, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनसे ये पूछिए, मध्य प्रदेश में सीधा चुनाव था भाजपा कांग्रेस का, आप समाजवादी पार्टी वहां का क्या करने गई? अब इस दिन अवेसी थी नहीं। उत्तराखंड में सीधा सीधा चुनाव है भाजपा कांग्रेस में, वहां समाजवादी पार्टी अब इस दिन अवेसी बनके क्या करने गई?
ये दोनों भाजपा की टीम है भाई, दोनों भाजपा की टीम है। यहाँ जिसका मौका आता है कांग्रेस वालों को कुछ काम तो है नहीं, अलावा आरोप लगाने के ना उनके पास संगठन है ना काम है। देश में प्रधानमंत्री दो लोगों की पार्टी है। वो बातें बड़ी अच्छी लगेगी साहब, हम विकास की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास की बात करते करते समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में विकास की बात होती है, सिर्फ समाजवादी पार्टी चली जाती है, और जब बात विकास की होती होते विकास दुबे तक चली जाती है। फिर कहते अरे साहब ब्राह्मणों पर बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है, फिर तुरंत उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी कूद आती। गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अच्छाई के साथ थी और कभी भी गलत लोगों का साथ उन्होंने दिया नहीं कभी भी ना। बहुजन समाज पार्टी ये भी कहती कि विकास दुबे अगर माफिया है गुंडे हैं तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, पर और जो लोग जो थे उनके खुशी दुबे हो गई, चाहे कई और ब्राह्मण लोग जो है जो चुन चुन के मारे गए। और जब बहन जी का ब्याह, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की मुख्य बहन कुमारी मायावती जी को, जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है, तब जाके आप तो कहते हैं कि भैया हम जाति पाति मूर्ति और इन सब की हम राजनीति करते नहीं, ये परशुराम जी का फरसा और मूर्ति को लेकर कैसे चले गए, दोनों में गुत्थम गुत्थक का है भाई, का है परशुराम जी, परशुराम कह रहे हैं इतना बड़ा मूर्ति करें उससे भी बड़ा मूर्ति बनाएंगे क्यों? सबके आराध्य देव है तो कोई भी काम करके हम तो आराध्य देव को अपना स्मरण करके जब आपकी पार्टी थी तो आप कहते थे कि जूता मारो चार, उसका पूरा एक वो बना तिलक तराजू और तलवार, जूता है हां तब वो भूल गए, तब पंडित नहीं थे, शंख बजाएगा तब आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा नहीं महेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। वो ब्राह्मण जो शंख बजाया 2007 में, 12 में शंख क्या हो गया, टूट गया, फूट गया, क्या हो गया 12 में? जो अगर 12 में हो सकता है ब्राह्मण छिटक के कहां गया, किधर गया? तीन लोग है बता दीजिए, कहां छिटका, उधर गया, इधर गया, इधर गया, बताइए। थोड़ा थोड़ा समय छिटक गया पर अब पुनः ब्राह्मण थोड़ा समय बढ़ गया, अब पुनः ब्राह्मण मान्य सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एकजाई होकर बात कीजिए डीजल पेट्रोल के महंगाई पे, ये हमारे लोग खड़े हैं बहाली पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, आप उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप जाति धर्म बराबरी की ये बात करके ये तीनों एक ही उसपे चले जा रहे हैं। इनका अखिलेश जी का बयान आया है कि सरकार बनी तो राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाल होगी, रोजगार पर पेंशन पर कोई बात कर रहा है क्या मैनिफेस्टो में? ये क्या बात करता, कौन क्या बात करेंगे, कौन से पायदान पर ये सारी चीजें करेंगे, हम ये क्या बात करेंगे? 2004 में इन्हीं की अटल सरकार ने पेंशन बंद करी थी, जो बूढ़े लोगों की कमर तोड़ने का काम किया था। देखिए मिल रहा है, कर्मचारी जिनके पुत्र नहीं होते थे या कुछ हो जाता था तो वो पेंशन से अपना घर चलाते थे, अपने आप को व्यस्त करते थे, इन्हीं सरकार ने वो उनसे उनकी पेंशन छीनने का काम किया। किसी का पेंशन, ये क्या बात करेंगे, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब अंतिम समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब अंतिम समय में अपनी पेंशन ली उन्होंने, जो हमारे भाई है, ये गन्ना बेल्ट है, किसानों का बेल्ट है पीलीभीत। और देखिए जब किसानों की बात हो रही है, हमने कहा ना कि आज अन्य संकल्प अखिलेश यादव ने लिया है, अब यहाँ पर राकेश टिकैत का बयान आया है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर, अब वो थोड़े से नरम नजर आ रहे हैं। पहले आपने सुना था कैसे कैसे बयान सामने आए थे, अब वो कह रहे हैं योगी जी को चुनाव जरूर जीतना चाहिए, योगी जीते लेकिन विपक्ष मजबूत हो, हमारे यहाँ हर दल का स्वागत है। आंदोलन के चलते किसानों का जिक्र हो रहा है, चूंकि हम लोगों ने आंदोलन किया, यानी कि वो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी सरकार बना ले। मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले बयान सुन लीजिए। यहाँ तो भाजपा के लोग आ जाओ, मैं भी आ जाओ भाई, मैं भी लंगर चखो, यहाँ तो यहाँ तो मेला है, मेले में तो कोई आ जाओ। आप भाजपा के लोगों की बात सीधे तौर पे नहीं करते, भाजपा के कहाँ है, भाजपा के कोई आए तो आप स्वागत करेंगे? अरे आ तो जाओ, मैं कहाँ है, मैं स्वागत करेंगे, वे तो आ जाओ, वहाँ सबका स्वागत है, यहाँ तो आ तो जाओ। हमने एक कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी से रिएक्शन लूं, से पहले रेखा जी, ये अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया राकेश टिकैत का? कल तक तो कह रहे थे कि बीजेपी की बैंड बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, अब क्या हो गया? अब कह रहे हैं योगी जी की सरकार बने लेकिन विपक्ष मजबूत हो। नहीं भाई साहब, उनका जो आंदोलन था, सेटिंग मीटिंग तो नहीं हो गई कुछ अंदर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबका ये होता है कि अपना दल है, ईडीआईटी का डर तो नहीं दिखा दिया?
नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको वो उनको पता है कि भाजपा की सरकार आ रही है, कहीं से नहीं रुक पा रही है, चाहे सब एक हो जाए। अब आप देखिए ना कि सब दल एक हो जाते हैं, डरा दिया वो ईडी और उसका, इसीलिए बयान बदला है, कोई दबाव नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी सुन 22 जथेबंदियां किसान के पंजाब में जो चुनाव लड़ रही है उन्हें अलग कर दिया, यहाँ किसी एक का बयान माने नहीं रखता है। जिधर संयुक्त किसान मोर्चा जिसे समर्थन करेगा नहीं करेगा, किसान उनकी बात सुनेंगे किसी एक आदमी। लेकिन ये आंदोलन कई किसान नेता नाराज इस बात को लेकर के थे कि भाई आंदोलन हमने किसानों के लिए किया था, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था। लेकिन उसके बाद जब पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि नाम चुनाव लड़ेंगे, आपस में फूट पड़ गई। नहीं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जो जथेबंदियां लड़ना चाहती है उनका अधिकार उन्हें अलग कर दिया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? किसान मोर्चा आज भी अपनी जगह पे खड़ा है, बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती रही। दरअसल में ये एक किसान आंदोलन आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष की तरफ से सारा कुछ पहले से प्लांटेड है। देखिए बीजेपी को यूपी चुनाव तक खींचना था, पंजाब चुनाव तक खींचना था। बीजेपी तो क्या कहती है, बीजेपी तो बहुत कुछ कह चुकी पहले, लेकिन किसान जो है वो अपनी मांग पे अड़ा रहा। किसानों के खिलाफ कानून थे, इन्होंने माना मोदी जी ने, कहीं हमसे गलती हुई मैं माफी मांगता हूँ, मैं तीनों बिल वापस लेता हूँ। उससे पहले यहाँ आतंकवादी, खालिस्तानी, माओबंदी, क्या कई कुछ कह चुके आंदोलन जी भी, ये अच्छी तरह जान चुके हैं। किसान जागरूक हो चुका है, वो ना बिकेगा और ना देश बिकने देगा। किसान फिर किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है? देखिए किसान उसके साथ है, कर्जा माफ करेगा। किसान उसके साथ है, कर्जा माफ करेगा, कर्जा कांग्रेस ने माफ किया किसानों का। समाजवादी पार्टी का एक भी नहीं मिलेगा, झूठ वाली बात है। किसानों का कर्जा माफ 75,000 15 दिन में आप कह रहे हैं गन्ने का बकाया भुगतान कर देंगे, हमारी सरकार बनी नहीं कि 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे, आदरणीय अखिलेश जी का बयान आ चुका, 300 यूनिट बिजली अपने भाई भतीजे बाद का विकास करेंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। जनता समझ चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आगरा का काम है अपना विकास है, जिसपे जेट प्लेन उतारे वो अपना विकास है, जो गोरखपुर के अंदर उन्होंने जमीन दी, सब पे टोल लगा रहे हो भाई, जितने इन्होंने बनाए हैं। देखिए जो सड़कें कांग्रेस ने बनाई, जो सड़कें कांग्रेस ने बनाई उस पर गरीब चल सकता है, और जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी बना रही है उस पर अमीर चल सकता है। आप कोई भी बड़ी सड़क बना लीजिए, आप 500 रुपए टोल टैक्स लगा रहे हो, गरीब की जमीन ना होगी। में आज की तारीख में 2022 में सबसे अहम मुद्दा स्थानीय क्या है? यहाँ पर स्थानीय मुद्दा सबसे पहले तो आप बैनर रोड पे चले आइए, इस पे यहाँ की सड़कें इतनी ज्यादा ध्वस्त है कि आम आदमी का चलना मुश्किल है। नौजवान जो हमारे कोविड काल में बहुत से बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ पे ट्रेन न चलने के कारण जो लोग बाहर से यहाँ पे काम करने आते थे पीलीभीत में, वो सब बेकार हो चुके हैं, उनको काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सब दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनपद का मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पे MSc की क्लासेस नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है यहाँ से, मतलब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना होगा। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर डिग्री सेक्शन के MSc की क्लास तक नहीं है। अब इनसे पूछिए और सबसे बड़ी भाई साहब, इनके टाइम में पूछे बिजली नहीं आती थी, मच्छर खाते रहते थे, मुश्किल से 24 घंटे में 4 घंटा बिजली आती थी। सड़क बीजेपी ने फीते काटने का काम किया, कितना फीता काटा आपने, कितना उद्घाटन किया पीलीभीत में, बताइए ना। पीलीभीत में जो बड़ा पचपेड़ा है उसमें एक हब बन रहा था, उसका नोटिफिकेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, राजपाल जी का थे, आदरणीय पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद साहब, कितनी फैक्ट्री चालू है, अरे भाई कितनी गाय बैठ चल रही है, कितनी पेट्रोल चालू है, ठंडे बस्ते में आपसे पूछ रहा है कितनी फैक्ट्री चालू करवाई थी आपने पीलीभीत में, बताइए ना। अरे पीलीभीत आपका शासन 5 साल तक था भैया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बना रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं पीलीभीत के लिए, क्या हुआ ये बताइए। सड़कें बनाई, किसानों का बिल पैसा दिलाया, फैक्ट्री डिजिटली फैक्ट्री के लिए मांग करी, धरना दिया, सारे काम किए समाजवादी पार्टी समाजवादी सरकार ने। एक कॉलेज, एक अस्पताल, बताओ बता दो कोई सड़क बताए बनाए सपा बस, एक कॉलेज, एक अस्पताल, एक अस्पताल। अरे तीनों लोग सुन लो, अरे भाई तीनों सुन लो, निकल जाइए। अरे सुनिए पीलीभीत के लिए, तीनों लोग सुनिए, कांग्रेस सरकार थी
तो चीने मिले 5 यहाँ लगवाने का काम किया। जब कांग्रेस सरकार थी तभी का डिग्री कॉलेज स्थापित है, आप उसमें प्रोफेसर नहीं दे पा रहे। जब कांग्रेस सरकार थी तभी का एक अस्पताल है, आप एक MRI मशीन नहीं दे पाए। सुनिए, आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दे पाए यहाँ पे, आप ऐसा कोई कॉलेज नहीं दे पाए कि हमारे बच्चे जो है वो उन्हें बरेली ना जाना पड़े या दिल्ली ना जाना पड़े। जब से कांग्रेस 30 साल से गई है, कोई हायर एजुकेशन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई उद्योग आपने नहीं लगाया, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मतलब के लिए रेखा जी ये कह रहे हैं कि इनके समय में जो कुछ हुआ वो आज भी चल रहा है, धरोहर है। इनके समय में सिर्फ घोषणा वही धरोहर है, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ से 4 विधायक आपके, 4 विधायक आपके, और जिला राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारे सरकार MRI मशीन, दूसरा साल मतलब चालू है, 5 साल तो भाजपा का हुआ, 5 साल में हम क्या कर लेंगे? आप तो कई बार 70 साल से काम कर रहे थे, आप जब आप कह रहे 5 साल चाहिए तो ये भी कहेंगे कि हमें भी तो 5-6 साल हुआ अखिलेश यादव को। ये तो सपा बसपा आती गई जाती गई आती गई जाती गई, सरकार ने तो मतलब कम से कम आपको 15-20 साल चाहिए, 15-20 साल चाहिए, एक और मौका मिलना चाहिए, एक और मौका मिलना चाहिए। देखो हर जिले में हमारे भाजपा ने ही कॉलेज दे रहे हैं, गोरखपुर और क्या नाम है रायबरेली में सरकार कॉलेज दे रही है। जबी नीट की जो हाईएस्ट लिस्ट है वो 620 पे, ये पीलीभीत में काम नहीं बता पाए तीनों लोग एक काम नहीं बता पाए, 15 साल राज किया पीलीभीत पे इन्होंने। मेडिकल कॉलेज सरकारी मिल जाता था भाई साहब, हर जगह खुल रहा है, टाइम लगता है हर जगह, आप पेपर पढ़ा करें। एक काम तीनों लोग ने, तीन पार्टियां एक काम नहीं बता पाई, तीन पार्टियां एक काम, 620 नंबर आने के बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है, जो यातायात और बहुत ज्यादा भयभीत वाहन चल रहा है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री चलने की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवरलोडिंग की बात सही है। मायावती ने सभी चीनी मिले बेच दी थी, पीलीभीत की भी मान लीजिए, ये पीलीभीत की ओवरलोड और ये जब ये शुगर फैक्ट्री बनी थी तो शहर से बाहर थी, अब ये बेच देंगे, ये इसे भी बेच देंगे, शहर से थोड़ा बाहर हो जाए, जिससे आम आदमी को छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाते हुए और बहुत हैवी ट्रक है, गन्ने बाहर ले जाओ, उधर ले जाओ, बेचने नहीं देंगे। चलिए मैं एक-एक करके आप सभी को मौका दे रहा हूं, मुझे पीलीभीत के लिए 3 अहम योजनाएं बताइए या वायदे बताइए जो आपको लगता है आपकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले यहां पर पीलीभीत में यही होना चाहिए, वो भी 5 साल के भीतर, मैं 15-20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, जो 5 साल के भीतर कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार अगर बनती है तो डिग्री कॉलेज और मेडिकल फैसिलिटी बहुत बेहतर, जो हमारी सरकार में जितनी हुई थी उससे बेहतर, वो छोड़ दीजिए क्या हुआ था अभी की, और डिग्री कॉलेज मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन जो बच्चों के लिए एजुकेशन है, और किसानों के लिए मिलों का इंतजाम। चलिए चबा साहब, देखिए इनके पास कोई विजन नहीं है, ठीक है, हमारी पहली प्राथमिकता है बंद पड़ी चीनी मिल को चलाना, ओके, दूसरी हमारी प्राथमिकता है यहाँ पे एक उद्योग की एक बहुत बड़ी, जैसे इन्होंने भरा पचपेड़ा बताया वहाँ एक मिल नहीं लगा पाए, हमारा ये मानना है 5 साल के बाद हम इसे औद्योगिक हब बना दें, और तीसरा हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे बेरोजगार लोग उनको वहां रोजगार मिलेगा, पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन हम यहां लेके आए। एक चीज हमारे यहां सबसे ज्यादा, सुनिए, हमारे यहां सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है और उसका एक्सपोर्ट का प्रबंध करना हमारी सरकार का पहला काम होगा। यहां से यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं जनपद पीलीभीत में ये ऐसी कामना करता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बने, जिससे कि हमारे जो युवा बेरोजगार लोग हैं, जो बाहर जन को जाना पड़ रहा है। रेखा जी, 3 पार्टियों का आपने विजन सुन लिया, अब आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं फिर रिपीट होंगे 5 साल, फिर और मान लीजिए जनता आपको दे दी, इन 3 विजन के अलावा चौथा विजन बता दीजिए आप। मेरा देखिए, जो आज की सरकार है, हमारे सभी सरकार जगह हर रोजगार मिल रहा, हमारी सब झूठ, एक मिनट इनको बोलने दीजिए, बोलिए 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 रेखा जी, बोलिए। महिलाओं को हर तरह से रोजगार मिला हुआ है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, काम करने, जब हम काम ही नहीं करेंगे भाई साहब तो हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा रोजगार? ये कह रहे हैं भाई इंडस्ट्रियल हब बना दो और मिले ले आओ, हायर एजुकेशन के लिए डिग्री कॉलेजेस खोल दो। नहीं तो डिग्री कॉलेज तो हर जिले में हमारी सरकार, डिग्री कॉलेज कहाँ जाए नौकरी करने के लिए? तो नौकरी करेंगे ना, यहाँ मिलेगी कि नहीं? यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी एक टूरिज्म के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, क्यों नहीं? बाघ बांसुरी बासमती चावल मिनी पंजाब पीलीभीत है, भाजपा
शून्य बटे शून्य भाजपा ना पहले किया ना बता पाई। सबसे बड़ा काम कराया चूका भी, जो उसको टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा काम करा, उसको गूगल पे आप डाल के देखिए तो चूका स्पॉट निकल के टाइगर रिजर्व, समाजवादी पार्टी ने बनाया 60 लोगों को घूम के सेल खा गया यहाँ पे। टाइगर रिजर्व इन्होंने बनाया, उसकी बाउंड्री नहीं करवाई इन्होंने, 60 लोगों की जान ले ली टाइगर ने। ये इनकी टाइगर रिजर्व है, इनके पास कोई व्यवस्था पूरी नहीं है, पूरी जंगल घूमिए जाके। जो गोवा में कहते थे कि चूका बीच, ऐसी तरह पीलीभीत में है, पीलीभीत में चूका बीच। अच्छा, ये भी आप ही के समय में समाजवादी सरकार की देन है। वो कह रहे हैं कि आपने घेरेबंदी नहीं की थी, बाघ बाहर आ जाते थे, कितने लोगों को मार देते थे। ऐसे इंसिडेंट आज भी होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब पहले से कम हो गई। भाई साहब, कोई चीज की कमी नहीं है हमारे सरकार में, बहनों को सही कह रहे, कोई कमी नहीं है। झूठ की सबसे बड़ी राजनीति है बहनों बेटियों के साथ बलात्कार होता है, ये है भाजपा की देन। बहनों को ही पेंशन मिल रही है अभी, 1,000 रुपया जो चालू खाता में अभी अभी आए सबके, और सभी बहनों को ही राशन पानी तेल कुछ मिल रहा। चलिए चलिए, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन रेखा जी, रेखा जी, आखिरी सवाल। वरुण गांधी को बीजेपी ने मना लिया ना भाई, सांसद जाके नाराज है पार्टी से, तो फिर आप कह रहे थोड़ा तो असर पड़ेगा, फिर भी 4 सीट जीतेंगे? नहीं, असर का क्या, हमारा वरुण गांधी के सवाल पर चुपे हो जाती हैं। नहीं, हमारा सांसद है और भाजपा के सांसद है, अभी कैसे हम कह देंगे? नाराजगी दूर हो गई उनकी, नाराजगी दूर हो गई, 4 सीटें हार जाएंगे हम, ये जानती हैं। अच्छा, ये जानती हैं भारतीय जनता पार्टी, ये जानती है कि 4 सीटें जीत सकने वाली है। चलिए, भाजपा सरकार, बाय बाय, चलिए भाजपा गई। चलिए, अब देखना है यहाँ पर कि पिछली बार जो कमल खिला था 4 सीटों पर, क्या इस बार भी वही परिणाम यहाँ पर दोहराया जाएगा, या फिर जो बाकी पार्टियां कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर पीलीभीत में परिणाम इसके ठीक उलट आएगा। ये 10 मार्च को प्रदेश की जनता, पीलीभीत की जनता तय करेगी ईवीएम का बटन दबाकर, जब नतीजे 10 तारीख को आएंगे। चले, पीलीभीत से शंखनाद में आज बस इतना ही, कल मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नई जगह में, एक नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।